लॉकडाउन में विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए देश की सरकार ने चलाया मिशन वंदे, जिसको लेकर आज हमारे ब्यूरो प्रमुख अमित कश्यप ने बात की कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक से कि किस तरह से लोग आवेदन करेंगे और किस तरह की व्यवस्था होगी जो विदेशों से नागरिक भारत आने वाले हैं। वहीं पर जिस तरह से सड़कों पर मजदूरों का पलायन हुआ था, उसको लेकर भी कैबिनेट मिनिस्टर ने बताया कि किस तरह से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है उनके लिए व्यवस्था। देखिए एक विशेष रिपोर्ट ब्यूरो प्रमुख अमित कश्यप की। वंदे मिशन के तहत पूरे देश से सभी फंसे हुए लोगों को बुलाने की एक पहल देश के प्रधानमंत्री द्वारा कर दी गई। इस समय हमारे साथ में हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, उनसे बात करेंगे किस तरह से जो अभी हाल ही में देशों से आ रहे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। असल विभिन्न देशों में दुनिया के जो लोग भारत के रह रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में उन्हें वापस लाने के लिए प्रारंभ काल से ही चिंता की थी, लेकिन अब समय आ गया है, फ्लाइट्स आ रही हैं और जितने भी भारत के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं उनको भारत लाया जाएगा। और अगर ये मेरे प्रदेश में जो लोग आ रहे हैं उनके रहने की, उनको उनके घर तक पहुंचाने की, उनके चिकित्सीय व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी सरकार का है, हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये बताइए, देश के तमाम प्रदेशों से जो लोग फंसे हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र के लोग यूपी में फंसे हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में फंसे हैं, तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। हमारे अगर कोई उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ में अगर कोई बाहर का व्यक्ति रह रहा है, तो जो हमारा लालबाग में एनडीए का पुराना ऑफिस है वहाँ पर पासेज बन रहे हैं, आप जाएं, पासेज बनेंगे, सूची हमें देंंगे तो मैं भी उनके जाने की व्यवस्था करूंगा। तो ये बताइए, जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं का हमला लगातार लॉकडाउन में भी जारी है, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर? असल विपक्ष को इस समय मुसीबत के समय में जनता के साथ खड़े होना चाहिए और अनैतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनसे हमने बात किया कि किस तरह से जो वंदे मिशन के तहत सभी लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को देश में बुलाने का, वापसी का एक बहुत बड़ा शुरुआत कर दी गई है, और जिसके तहत जैसे कि प्रदेश में लोग फंसे हुए हैं, अन्य प्रदेश के लोग, उनके लिए भी बहुत ही जल्द सुविधाएं जो मुहैया कराई गई हैं उनके तहत लोग अपने अपने प्रदेश पहुंच सकेंगे। ये थे हमारे साथ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनसे हमने बात किया वंदे मिशन के ऊपर। सहयोगी शिवम के साथ में हंगामा टाइम्स लखनऊ।